ఇవలగినం సుదనం తదేవ తారావలం చంద్రగుణం తదేవ విద్యాబలం దేవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే సంగమ స్వామి లాభతేషాం జయతేషాం కుతిష్ఠితం ప్రాజయ ఏషామింది వర్ష్యాం హృదయస్థో జనార్దన వక్షణ మహాకాయ సూర్యకోటి స్మ ప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవో సర్వ కార్యేషు సర్వదా గురువస్వః గౌరీగణే సంపికా సైత్యం అక్షతం సమర్పయామి హే గురువస్వః హరిహియం మా గణనం త్వా గణపతకుం అవామహే ప్రియణం త్వా ప్రియపతకుం అవామహే నిధినం త్వా నిధిపతకుం అవామహే వసో మమ అహం జాన సైత్యం అక్షతం పుష్పం సమర్పయామి హే आद्यम अर्घम आचमनि मिश्नान्यम समर्पयामि हे गुरवस्व गौरीगणे संबिका सहित्यं वस्महे अक्षतं सुश्रेष्ठा सुसोक्तम एनवेक्त वत्ताग्रेणा मणिमेश्वरः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि विप्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रकट्वामि नमः पुष्पं से धूपं दर्शयामि हे अथ प्रज्वलितं करोमि हे ओं हरे हियं मह चंद्रमा मनसो जातचिष्ठो सूर्यो अजा धूपं दर्शयामि हे हस्तो प्रक्षालन पुंडे काक्षपनाथ समर्पयामि हे ओं भ्रुवस्व नैवेद्यामि से नैवेद्यामि समर्पयामि हे ओं नाभ्या आसीदंतरिक्षं शेषनाद्यः समर्पयामि भूमि श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् मध्ये मध्ये आचमनं समर्पय अपानाय सुसामनाय सुदानाय सुज्ञानाय स्वा कृत्वेश्वः मध्ये मध्ये आचमनं नमस्कारं करोमि हे विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमः नमस्ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः ओं भ्रुवस्वः सरस्वती महाभागे विधे कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षे विद्यां देहि च नमस्तुते वंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीतांबरा तरुणबिम्बफलादरुष्टा गूढेन्द्रसुन्दरमुखादरवेन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परं किमपत त्वमहं न जाने कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवनमुक्तकङ्कणतले वेणुकणी कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलतं कण्ठे च मुक्तावली उपस्त्रे परिवेष्टितो विजयिते गोपालचूडामणि गुरुवस्वः गौरीगणे सम्पका सैन्यम् अतः सङ्कल्पं करोमि सर्वप्रथम भूमि पूजन करें। पूजन करने के बाद में भूमि माता से प्रार्थना करेंगे। भूमि माता हमसे जाने जाने में कोई भी त्रुटि हो जाए उसे क्षमा करें और हम सर्वप्रथम आपकी पूजा अर्चना के बाद में जो भी शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं उसमें आप हमें अपने विनम्र निवेदन है कि आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमें इसी प्रकार मंगल कार्य कर रहे हैं। ओम हर मैं ओके दिया के लिए हैं भारतीय का भारतीय का ये बाहर का नहीं बाहर तो बोल रहा है। शुभोदय तुरंत विकास योजना के तहत तमाम कार्यों का शिलान्यास किया गया है, तो कितने की योजना है और किस तरह का कार्य है? ऐसे माननीय मुख्यमंत्री तुरंत विकास योजना 3 करोड़ की है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में। इसमें हमारे क्षेत्र को भी 3 करोड़ रुपये की योजना में शामिल किया गया है। इसमें बांके बिहारी कॉलोनी की यह सड़क निर्माण और यहाँ की नाली निर्माण योजना 60 लाख रुपये की है। आज इसका शुभारम्भ करने के लिए भूमि पूजन किया गया है। यहाँ के नागरिकों में विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से यहाँ के विकास चौमुखी के विकास हो रहा है। जब भी हमने कोविड हाथ किया, हम शिवाजी नगर जाते थे, जब आप सिर्फ में विधायक थे तब भी प्रेम की डोर से खींचे चले और फिर उन्होंने वहाँ पर पूरे 115 फ्लैट थे, वहाँ पर सड़कें बनवाई, नादी खरीदे। जब भी हमने आपको याद किया, आज दूसरी बार यहाँ पर पधारे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी साधु हैं। जब आप विधायक थे छोटे से क्षेत्र के लिए इनकी जिम्मेदारी मतलब उनको उत्तर प्रदेश ही नहीं बाहर की स्टेटों को भी देखना पड़ता वहाँ पर क्या काम हो रहा है, जैसे कि हमारा कार्य अच्छा हो सके
इतनी व्यवस्था के बाद हमने याद किया। लाल साहब मंच पर आसीन हम सबके धार्मिक स्थल के श्रद्धेय महंत माननीय निर्मल गिरी जी महाराज, पास के वार्ड नंबर 73 की माननीय पार्षद मीनाक्षी जी, दूसरे पार्षद गुड्डू भाई, तीसरे पार्षद अपने मिसेस गुप्ता रेणु गुप्ता जी, हमारे बुजुर्ग सचदेवा साहब माननीय वासुदेव जी केलाल साहब, और हमारे इस शिवाजी मंडल के माननीय अध्यक्ष प्रदीप जी। वैसे तो यहाँ विशिष्ट अतिथि बनाया हुआ है, लेकिन मेरा पुत्र अलौकिक उपाध्याय, सभी उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति, इस क्षेत्र में आप लोगों ने मुझे तीसरी बार स्नेह दिया और विधायक बनाया। आपका स्नेह था, पहली बार मुझे आप सबने मिलकर 27,000 वोटों से जिताया था 2012 में, जबकि भाजपा की विपरीत परिस्थितियां थी उस समय। फिर 2017 का चुनाव आया, आपका और स्नेह मिला, 51,000 वोटों से मुझे आपने जिताया। फिर 22 का चुनाव आया और आपने भरपूर स्नेह दिया, 57,000 वोटों से मुझे जिताया। उत्तरोत्तर श्रेणी में आपका स्नेह और प्यार बढ़ता गया, इसके लिए मैं आपके हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, जब इस क्षेत्र को मैंने संभाला था, जब आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी, उस समय बहुत समस्याएं थी, सड़क, पानी, बिजली, मानव जीवन में खाक पति से खरब पति थी, सबको पानी की आवश्यकता होती है, और आगरा का पानी यमुना में नाले नालियों का पानी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ये राज कपूर ने फिल्म के माध्यम से बताया था, लेकिन कृष्ण तेरी यमुना मैली हो गई, ओखला दिल्ली के नाले ढोते ढोते, हमारी किचन हमारी बाथरूम हमको बता, बाथरूम खोला। आज के अध्यक्ष जी से इस प्रोग्राम के समापन के लिए मैं अनुरोध करूंगा, आज के अध्यक्ष जी दो शब्द बोले, उससे पहले जरा विचार सुन लें, यहाँ निवासी हैं।